दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजद इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये डीजे लाइट है, और दोस्तों इसमें ये जो है ये डिस्प्ले इसका जो है ये लाइट इसकी जलती नहीं है, और आज मैं इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा कि आप लोग इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और इसका इस तरफ का जो है ये डिस्प्ले है ये वाला जलता है, बट दोस्तों ये इधर का ये लाइट नहीं जलती है। तो अभी मैं इसमें प्लग लगाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने प्लग लगा दिया, और इसमें देखिए ये वाली लाइट जल रही है, ये वाली जल रही है, और जो है इस तरफ का ये लाइट नहीं जलती है। तो दोस्तों अब हम इसको खोलते हैं और उसके बाद फिर आप लोग को दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले हमें इसको आसानी से खोल देना है इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको खोल दिया, और इसको इस तरीके से आसानी से इसको हटा देना है। और अब देखिए दोस्तों इसमें इस तरीके का है, और इसमें प्रॉब्लम क्या है ये चीज़ पहले हम इसका वोल्टेज देखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तो ये हमारा SMPS सही है, बट इसके अंदर जो इस यहाँ पे वायर जा रहा है ये देखिए दोस्तों हल्की हल्की लाइट जलती है, हल्की हल्की जल रही है, बट इसके बाद जो है इसको हम इस तरीके से आसानी से ऐसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, और इसको हम एक बार शॉर्ट करके देखेंगे अगर हो सकता है। देखिए दोस्तों शॉर्ट करने के बाद भी ये जो है इस तरीके से जो इसमें ये लगा है इसको आसानी से इसको निकालेंगे। देखिए दोस्तों, क्योंकि ब्लू वाला LED जो है कम वोल्टेज का होता है, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें निकाल देना है इसमें। और इसमें अभी हम आप लोग को चेक कराते हैं। देखिए दोस्तों क्या है कि इसको हम एक एक LED को शॉर्ट करके देखेंगे, और ये RGB LED होती है दोस्तों, और इसमें दोस्तों जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, अभी हम वोल्टेज देखते हैं पहले, उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं। इसको हम फटाफट निकाल देते हैं इसको आसानी से इस तरीके से आसानी से निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों इसे निकाल देंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसको। देखिए दोस्तों मैंने इसको निकाल दिया, अब जो है इसमें हम वोल्टेज देखेंगे। देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं आप लोग को। अब हम मल्टीमीटर को जो है हम जो है 200 रेंज पे करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे इसका हम देखेंगे इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। देखिए ये हमारा ग्राउंड है, ये देखिए दोस्तों इसमें इस तरीके से ये देखिए दोस्तों इसमें 24 वोल्ट आ रहा है, और ये 24 वोल्ट से ऑपरेट होती है, और ये एक एक ग्राउंड एक 24 वोल्ट एक ग्राउंड एक 24 वोल्ट ऐसे दिया है इसमें। देखिए दोस्तों ये हमारा 24 वोल्ट है, और ये हमारा इस तरीके से हम चेक करते हैं। देखिए ये 24 वोल्ट हो गया, और इसके बाद ये वाला देखिए दोस्तों ये 24 वोल्ट हो गया, और ये हमारा यहाँ पे हमें वोल्टेज कम दिख रहा है। तो दोस्तों हमारा ग्राउंड है ये, तो दोस्तों इसमें वोल्टेज तो आ रहा है। ये हमारी LED जो है ये एक तरीके से सीरीज में बनी होती है, बनाई जाती है इसको, ये इसको हमें बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसमें LED देखिए दोस्तों ये LED हमारी ये ख़राब है, इसको हमें इस पत्ते को दूसरा लाके इसमें लगाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये जो जल रही है जो हल्की फुल्की जल रही है, इसमें क्या है कि करंट तो जा रहा है बट LED वीक हो गई है, इसकी वजह से ये ख़राब हो गई है। तो दोस्तों ये वाला हमारे पास पत्ता नहीं है, ये अगर हमारे पास पत्ता होता या तो RGB LED होती उसको लगा देते, बट दोस्तों उसमें वोल्टेज हमें देखना था, वोल्टेज हमने देख लिया, और इसका हम जो है मोड चेंज करते हैं तो कुछ नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर वोल्टेज आ रहा है तो ये हमारी एलईडी जो है ख़राब है, और एलईडी इसको चेंज कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। इसका डायरेक्ट ऐसे पत्ता आता है, देखिए दोस्तों इस तरीके से ऐसे पत्ता आता है, और इसको आसानी से इसको चेंज कर देना है, उसके बाद ये हमारा डीजे लाइट सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।